चलो देखो बहुपदता शून्य के ज्ञात करना है। देखो हमरा मारे छे बड़ा भाका। शांत रहो। बहुपद का शून्य के ज्ञात रहने पर बहुपद कैसे प्राप्त किया जाता है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का मान मान लेते हैं 3, समझा? तो एक्स बराबर 3 को 3 स्क्वायर प्लस 3, 3 क्या 9 3 12 बराबर 12 होगा। सुगम जी तो इसको जो हल करेंगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 को पीछे लाएंगे माइनस 12 बराबर 0। कहने का अर्थ अगर हम ये लिखे सिर्फ इतना ही, ये एक बहुपद हो गया जी। इसमें शून्यक निकालेंगे तो एक्स का कौन सा ऐसा मान होगा जिसे रखने पर इस बहुपद को शून्य बना दे, वही इसका शून्य कहलाएगा। तो चलो इसका मान निकालते हैं, ये कौन सा बहुपद है, एक घात वाला कि द्विघात वाला? द्विघात बहुपद है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए इसका पहले नाम रखेंगे, तो नाम मान लो एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल वाला पॉलीनोमियल। बहुपद निकालने के लिए हम बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को जिसका नाम रखे हैं पी एक्स, यानी पी एक्स को शून्य बनाएंगे, अर्थात इतना बराबर शून्य करेंगे। बहुपद निकालने के लिए हमें किसी बहुपद को शून्य बनाना पड़ता है, यानी पी एक्स बराबर शून्य। बहुपद को शून्य के बराबर बना देते हैं तो वेरिएबल का जो मान निकालता है वही इस बहुपद का शून्यक होता है। तो पी एक्स किसको माने हैं, इसको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर शून्य। शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x होगा। देखो तो प्लस प्लस माइनस माइनस 4 किया 12 एक्स स्क्वायर, शुरू वाला अंत वाला को गुना करो तो इतना होगा, बीच वाला टर्म को दो भाग में जोड़ेंगे जोड़ कर इतना होना चाहिए, गुना करके शुरू वाला अंत वाला के बराबर होना चाहिए तो हो रहा है, दोनों को जोड़ो तो अब ठीक है, दोनों को जोड़ करके प्लस एक्स आ रहा है। और शुरू वाला गुणनखंड विधि याद है ना, शुरू वाला अंत वाला को गुना करेंगे तो इतना होता है, बीच वाला को दो भाग में तोड़ेंगे जोड़ करके बीच वाला होना चाहिए गुना करके नीचे वाला होना चाहिए शुरू वाला अंत वाला का गुणनफल, ये होगा माइनस 12 बराबर 0 होगा। अब इसमें दोनों में x कॉमन ले लो, x प्लस 4 इसमें माइनस कॉमन लो 3, तो x माइनस है माइनस में माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस से गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस 312 बराबर 0। इसमें अब x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, अंत में हम लोग को x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0 निकला है ना। अगर इसको रखेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0 बटा x माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर माइनस 4। अगर मान लो इसको नहीं रख करके इसको रखे x माइनस 3 को तो 0 ये चलाएगा नीचे, x प्लस 4 बराबर 0 इसीलिए x बराबर 3 होगा। तो x का दो वैल्यू निकला, एक तो निकला x बराबर 3, दूसरा निकला x बराबर माइनस 4। तो ये जो निकला है किसी भी बहुपद का शून्य हमें यह बतलाता है कि बहुपद में वेरिएबल का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। तो क्या वेरिएबल x का दो मान जो निकला है x बराबर 3
है ना, एवं माइनस चार, ये दो ठो मान निकला है। तो ये दोनों मान अगर इस बहुपद को शून्य बनाएगा तब वास्तव में इसका शून्यक होगा। टेस्ट करेंगे, निकाले हैं शून्यक, तो एक्स का मान तीन लेंगे तो ये तो अभी बतला ही दिए शून्य हो जाता है। कितना बराबर एक्स का मान तीन भरो तो तीन स्क्वायर प्लस तीन माइनस बारह, तीन क्या नौ तीन बारह माइनस बारह बराबर जीरो। यानी एक्स का इस बहुपद में एक्स का मान तीन ऐसा मान है जो इस बहुपद को शून्य बनाता है, इसलिए इस बहुपद का पहला शून्य तीन हुआ। चूंकि द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, दो, रैखिक बहुपद के, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक, चतुर्थ घात बहुपद के चार शून्यक। जितने घात वाला बहुपद होगा उतने शून्यक प्राप्त होते हैं, यह न है। द्विघात बहुपद का पहला शून्यक तीन, दूसरा माइनस चार देकर के देखो शून्य बनता है, अगर बनेगा तो ये दूसरा शून्यक होगा। एक्स का दूसरा मान माइनस चार, तो ये माइनस चार एक्स का मान, फिर स्क्वायर है स्क्वायर प्लस एक्स का मान माइनस चार, दो तीन आया तो कोष्ट दो माइनस बारह, माइनस चार का वर्ग माइनस माइनस प्लस चार का सोलह, प्लस माइनस माइनस चार माइनस बारह तो सोलह, माइनस सोलह बराबर जीरो। सही है ना, इस बहुपद के दो शून्य, पहला शून्य तीन दूसरा माइनस चार। इतनी बात को समझा, एक निकला है तीन और दूसरा माइनस चार, यानी एक्स बराबर तीन एवं माइनस चार, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह, इस बहुपद का ये शून्य है। ये बहुपद है ना, जिसका शून्य तीन एवं माइनस चार है। पहले शून्य को अल्फा, दूसरे को बीटा कहते हैं। मान लो किसी बहुपद का हमें शून्य दिया हुआ है, तब बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे? अगर बहुपद दिया रहता है तो हम शून्य तो प्राप्त कर लेते हैं। अब उल्टी बात करो, अगर बहुपद का शून्य दिया हुआ है तो इस बहुपद को कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये लिखा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं दो। किसी बहुपद का शून्य तीन एवं माइनस चार दिया हुआ हो तो वह बहुपद प्राप्त करे। एक क्वेश्चन है, देख लो, लिखना नहीं है, समझना है इस पर। ये एक हम थ्योरी बतलाएंगे जो लास्ट थ्योरी होगा, लास्ट नहीं होगा, इसके आगे भी दो थ्योरी है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज के लिए ये लास्ट थ्योरी है। तो देखो, अगर किसी बहुपद का दो शून्यक दिया हुआ हो, अगर किसी द्विघात बहुपद का पहला शून्यक तीन एवं दूसरा शून्यक माइनस चार हो तो बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद के कितने शून्य, दो, पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा का मान दिया हुआ है तीन, बीटा का मान दिया हुआ है माइनस चार, यानी दोनों तो द्विघात बहुपद वेरिएबल एक्स का मानना है। द्विघात बहुपद का पहला शून्य अर्थात एक्स बराबर पहला मान कितना है तीन, है ना, एवं एक्स का दूसरा मान माइनस चार,
तो अगर x बराबर 3 है तो इसीलिए x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं जी। समीकरण 1 ठीक है जी। 0 बराबर x माइनस 3, ये x बराबर माइनस 4 है इसीलिए x माइनस 4 को बराबर के पहले लाएंगे, प्लस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। समीकरण 2, 0 बराबर x माइनस 3 और 0 बराबर x प्लस 4 है ना। अब दोनों को गुना कर दो, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर यानी x माइनस 3 बराबर 0 x प्लस 4 बराबर 0, गुना करके देखो तो x x को गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस 4 किया 12 बराबर 0, 0 गुना करेंगे 0 होगा, इसको जोड़ो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0, यानी हमको आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। बराबर से पहले ये देखो तो यही बहुपद है ना जी। इसका अर्थ है बहुपद का अगर शून्यक दिया हो तो हम बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे बहुपद को प्राप्त करेंगे, तो दिए गए शून्यक से बहुपद को कैसे प्राप्त करेंगे पहले इसको समझो। यहाँ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो शून्यक दिया हुआ है, पहला शून्यक x बराबर 3, तो इसको हल करेंगे, ये तो इक्वेशन हो गया x बराबर 3, तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा। दूसरा में x बराबर माइनस 4, तो इसको समीकरण बनाएंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। ये x माइनस 3 और x प्लस 4 है क्या वास्तव में, तो क्या है तो ये देख लो, बहुपद का गुणनखंड है ये। जैसे ये बहुपद है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, इसका हमें शून्यक निकालना है, इसे शून्य के बराबर करेंगे। इस बहुपद का जिस विधि से बनाओ गुणनखंड विधि से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 और x कॉमन ले लो तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लो तो x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 4 कॉमन ले लो इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो इतना समझा, इसका ये दोनों देखो गुणनखंड है ना, इसको इसको गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, x प्लस 4 x माइनस 3 को गुना करोगे तो इतना आ जाएगा। कैसे तो देख लो, इसको हल करके इतना आया ना, यानी x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 बराबर 0, ये दोनों को गुना करने पर आएगा इतना। x प्लस 4 x माइनस 3 को गुना करो तो x को x से गुना किए x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को 3 से गुना किए 3x, x का गुना हो गया प्लस 4 प्लस 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 4 को x से गुना करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस 4 किया 12 बराबर 0 और x स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो प्लस x माइनस 12 बराबर 0 इतना आया। इसका अर्थ है, इसका मतलब इसका ये गुणनखंड है, किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड को गुणा करते हैं तो हमें द्विघात बहुपद ही प्राप्त होता है। अगर मान लो किसी द्विघात बहुपद का हमें शून्यक निकालना है तो उस द्विघात बहुपद का पहले गुणनखंड ज्ञात किया जाता है,
ये गुणनखंड है ना, पहला गुणनखंड x प्लस फोर, दूसरा गुणनखंड x माइनस थ्री। किसी भी बहुपद को गुणा के खंड खंड में लिखना गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लो आठ का गुणनखंड चार गुने दू, पहला गुणनखंड चार, दूसरा गुणनखंड दो। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह का पहला गुणनखंड एक्स प्लस चार, दूसरा गुणनखंड एक्स माइनस तीन। तो द्विघात बहुपद के जो दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इन दो गुणनखंडों को गुणा करके पुनः हमें क्या प्राप्त होता है, बहुपद ही प्राप्त होता है ना। तो अब जैसे मान लो तीन एक पहला द्विघात बहुपद का पहला शून्यक तीन है, दूसरा शून्यक माइनस चार है। तो इसका अर्थ है द्विघात बहुपद में x का पहला वैल्यू तीन है, दूसरा वैल्यू माइनस चार है, यानी x बराबर प्लस तीन एवं x बराबर माइनस चार, x का दो वैल्यू आया। तो द्विघात बहुपद के जो दोनों शून्यक होंगे उससे हम द्विघात बहुपद को कैसे प्राप्त करेंगे, तो x बराबर प्लस तीन है तो इसीलिए x माइनस तीन बराबर जीरो होगा, प्लस तीन को बराबर के पहले लेंगे तो इसके अनुसार, इसलिए x माइनस चार को बराबर के पहले लेंगे तो इतना प्राप्त होगा। तो शून्यक अगर दिया हुआ हो तो शून्यक के द्वारा हमें बहुपद का पहला गुणनखंड x माइनस तीन प्राप्त होगा, दूसरा गुणनखंड x प्लस चार प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अब ये उदाहरण दिए थे x माइनस तीन इंटू एक्स प्लस चार बराबर जीरो, दोनों को समीकरण को गुणा कर देने पर ये प्राप्त होगा। इसको गुणा करते हैं तो हम लोग को प्राप्त हो जाता है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह बराबर जीरो। ये बहुपद है ना, और इस बहुपद का ये गुणनखंड है। ये गुणनखंड कहाँ से आया, तो पहला गुणनखंड पहले मान से आया, पहला शून्यक से, दूसरा गुणनखंड दूसरे शून्यक से प्राप्त हुआ। और जब गुणनखंड प्राप्त होता है तो दोनों गुणनखंड को गुणा करके हमें बहुपद प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हो? दिए गए किसी द्विघात बहुपद का या त्रिघात बहुपद का अगर हमें शून्यक दिया हुआ है तो उस शून्यक से हम लोग बहुपद का, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के दो मूल दो शून्यक, दोनों शून्यक से हमें दो गुणनखंड प्राप्त होगा और दोनों गुणनखंड के गुणनफल से हमें बहुपद प्राप्त हो जाता है। ऐसी बात, खाली उदाहरण को तू लोग समझो, इसको समझ गई तो इस पर आधारित एक्सरसाइज मतलब तुरंत बना लोगे। मान लो x का एक वैल्यू तीन आया एवं x का दूसरा वैल्यू मान लो चार आया, कुछ भी मान लो, तो इसका अर्थ हुआ ये पहला शून्यक है ना। बड़ा मान को अल्फा, छोटा मान को बीटा मानेंगे जो किताब में है। तो ये पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक, तो कहेगा इससे आप बहुपद प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहला शून्यक से पहला समीकरण बनाओ, यहाँ हो जाएगा टू पी एक्स बराबर तीन, इसीलिए एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। समीकरण ए, पहला शून्यक से पहला समीकरण बना, दूसरा शून्यक से दूसरा बनाओ, तो ये एक्स बराबर चार, इसीलिए एक्स माइनस चार बराबर जीरो। ये दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण को गुणा कर दो, यानी एक्स माइनस तीन एक्स माइनस चार को, एक्स माइनस तीन एक्स माइनस चार को एक्स एक्स को गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तीन एक्स, माइनस प्लस माइनस चार एक्स, माइनस माइनस प्लस बारह,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस बारह। देखो यही बहुपद प्राप्त हो गया। अब जैसे ये बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस बारह, ये एक बहुपद हुआ। इसका अर्थ है दिए गए शून्यक से हम लोग कैसे बहुपद बनाए। तो इस बहुपद का शून्यक अगर निकालेंगे तो x का पहला मान तीन होगा और x का दूसरा मान चार होना चाहिए। तो इसको तू हल करो। शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर बनाएंगे। अब हल करो तो किसी भी विधि से एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स है तो इधर हुआ बारह एक्स स्क्वायर यानी चार किया बारह माइनस चार एक्स माइनस तीन एक्स दोनों को जोड़कर माइनस सात एक्स हो गया प्लस बारह बराबर शून्य। प्रथम दो में x कॉमन है तो x माइनस चार इसमें माइनस कॉमन लो तीन, x प्लस में माइनस कॉमन लिए माइनस माइनस प्लस तीन चौका बारह बराबर शून्य। हम x माइनस चार कॉमन है तो x माइनस चार ये कॉमन हो गया बच गया x, ये कॉमन है बच गया माइनस थ्री बराबर जीरो। अगर इसको रखेंगे तो x माइनस चार बराबर जीरो बटा x माइनस तीन बराबर जीरो, इसलिए x बराबर चार। अगर इसको रखेंगे इसको हटाएंगे ये हो जाएगा x माइनस तीन बराबर ये जीरो के नीचे आ जाएगा जीरो बटा x माइनस चार बराबर जीरो, इसीलिए x बराबर जीरो प्लस तीन यानी तीन। देखो x का एक मान चार और दूसरा मान तीन आया, x का एक मान चार दूसरा मान तीन। तो शून्यक से हम लोग बहुपद कैसे बनाएंगे, और सिर्फ बहुपद है तो शून्यक कैसे निकालेंगे, यानी शून्यक निकालेंगे और शून्यक से बहुपद बनाना है तो कैसे कैसे चरण बढ़ाएंगे, समझा। अब अगर शून्यक दिया हुआ है तो अपने से बहुपद निकाल लोगे, कोई फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं चाहिए। इतनी बात को समझी तू लोग? 22 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है और क्रोध स्पेस खाली नहीं बतला रहा। रिकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन जगह नहीं है। चलो देखो, मान लो किसी बहुपद का पहला शून्य कुछ भी मान सकते हैं, जो इच्छा हो मान लो। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है पहला शून्य शून्य हो जी होगा हाँ, और दूसरा शून्य मान लो चलो मैंने दो मान ले तो बहुपद प्राप्त करना है। तो अभी जो नियम देखो अपने से सोचो कैसे कैसे चरण बढ़ाएंगे। बहुपद का पहला शून्य शून्य, दूसरा माइनस दो, तो पहला शून्य क्योंकि एक्स बराबर जीरो, तो जीरो को ईश्वर भी लोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस जीरो बराबर जीरो, यानी यही एक समीकरण नहीं बन गया। दूसरा में है एक्स बराबर माइनस दो, इसीलिए एक्स प्लस दो बराबर शून्य दूसरा समीकरण। तो समीकरण एक और दो को गुना कर दो, एक्स बराबर जीरो एक्स प्लस टू बराबर जीरो गुना करो, एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस प्लस प्लस, एक्स को दो से गुना करो दो एक्स, जीरो जीरो को गुना करो जीरो। इसका अर्थ हुआ तुमको बराबर के आगे शून्य है, ये हो गया बहुपद। इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर किए एक तरह से, तो बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इतना ही हुआ बहुपद। अब इसमें एक्स शून्यक निकालना है, इसका मतलब इसको शून्य के बराबर करो, तो चलो इसको शून्य के बराबर कर देंगे।
इसको कैसे निकालेंगे, इसमें देखो दोनों में x है कॉमन, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2 बराबर 0। अगर x को रखेंगे तो ये आगे जाएगा 0 के नीचे, संपूर्ण कोष्ठ एक पद होता है, तो x गुने x प्लस 2, तो इसीलिए x बराबर 0 बटा x प्लस 2 बराबर 0, x का एक मान 0 निकला, यानी x बराबर 1 को 0 निकला पहला मान, यानी पहला 0। अगर मान लो इसको रखते हैं, इसको हटाते हैं, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 बटा x बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 माइनस 2, यानी माइनस 2, दूसरा 0 क्या निकला, माइनस 2 निकला, और बहुपद क्या प्राप्त हुआ, x स्क्वायर प्लस 2x। बोलो अब अपने से निकाल लोगे, अंतिम उदाहरण तुम ही लोग बनाओ, बतलाओ, हम लिखते जाते हैं। x बराबर प्लस 1 बटा 2 एवं माइनस 1 बटा 2, दो शून्य है। चलो बोलो, पहला शून्य से पहला समीकरण बनाएंगे, बोलो क्योंकि x बराबर प्लस 1 बटा 2, इसलिए x माइनस 1 बटा 2 बराबर 0। अब इसको हल करो, 2x माइनस 1 बटा 2 बराबर 0, इसीलिए 2x माइनस 1 कितना गुना होगा, बराबर 0। ये पहला गुणनखंड हुआ है ना। फिर निकालेंगे x बराबर माइनस 1 बटा 2, और x बराबर इधर आएगा तो प्लस 1 बटा 2 बराबर 0, लग कम लेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तीसरा गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ, यानी ये दूसरा गुणनखंड है, ये पहला गुणनखंड है, दोनों गुणनखंड को गुना कर देंगे तो हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो समीकरण एक में तुमको बराबर के पहले पहला गुणनखंड है, समीकरण दो में बराबर के पहले दूसरा गुणनखंड है, दोनों को गुना कर देंगे तो एक और दो को ये हो गया 2x माइनस 1 है ना बराबर 0, ये हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0, तो गुना करेंगे 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0 गुने 0 0 होगा, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये तो कट गया माइनस 1 बराबर 0। तो चूंकि ये बहुपद है जिसको शून्य के बराबर किए हैं शून्य निकालने के लिए, तो बहुपद ये हो गया, तो बहुपद प्राप्त हुआ हम लोगों को 4x। बहुपद प्राप्त हुआ 4x स्क्वायर माइनस 1 होगा, इसका मतलब इस बहुपद का शून्य निकालेंगे तो पहला शून्य ये आना चाहिए, दूसरा ये आना चाहिए, ये भी निकाल करके देख लो, तो शून्य निकालने के लिए इसको शून्य बनाएंगे, तो ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर 1 होगा, और x स्क्वायर बराबर 1 बटा 4, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस रूट 1 बटा 4 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, तो इसलिए x बराबर प्लस 1 बटा 2 एवं माइनस 1 बटा 2। तो निष्कर्ष के रूप में तू लोग बोलो, अगर किसी बहुपद का शून्य दिया रहे तो उस शून्य के द्वारा बहुपद निकाल लोगे। अभी फार्मूला नहीं बनाए हैं, अब फार्मूला इस पर बनाते हैं, कितना को समझे लंबो, शून्य द्विघात बहुपद के अगर दो शून्य दिए हुए हों, फार्मूला भुला गया हॉल में, तो अपने से बहुपद निकाल लोगे है ना। इसमें थोड़ा सा इंक दे दो,
चलो देखो, द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक? दो। तुम लोगों को तो हम ये उदाहरण दिया है, संख्या में दिया ना, लेकिन ये मालूम है ना किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होते हैं। पहला शून्य क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता जी, है जी। पहला शून्य अल्फा एवं दूसरा शून्य बीटा। किसी अल्फा को भी किसी को तीन मान लिए, किसी को चार मान लिए, किसी को प्लस एक बटा दो मान लिए, किसी को माइनस एक बटा तीन, जो इच्छा हो। वास्तव में द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, पहला को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। अब अल्फा बीटा का जो मान हो, इसका अर्थ हुआ बहुपद जो होता है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी धन होता है, तो ये वेरिएबल एक्स का पहला मान अल्फा हो गया, वेरिएबल एक्स का दूसरा मान बीटा हुआ। वन जी, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर अल्फा एवं बीटा, इतना लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर अल्फा, दूसरा एक्स बराबर बीटा, इतना होता है। तो इसको लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो, इसमें एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। ये हो गया समीकरण एक, ये हो गया समीकरण दो। वास्तव में ये पहला गुणनखंड है और ये दूसरा गुणनखंड है। द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड होंगे, त्रिघात बहुपद के तीन गुणनखंड होंगे, चतुर्थघात बहुपद के चार गुणनखंड होंगे। समझा? तो दो गुणनखंड यानी ये प्राप्त हुआ समीकरण के रूप में, बराबर के पहले पहला गुणनखंड, बराबर के पहले दूसरा गुणनखंड समीकरण दो में। दोनों को गुणा कर दो, समीकरण एक और दो को, अर्थात बहुपद का पहला गुणनखंड और बहुपद के दूसरे गुणनखंड को गुणा कर दो। तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अल्फा को एक्स गुणा करेंगे, एक्स अल्फा माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स बीटा होगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा। दोनों को गुणा किए, अब बराबर का आगे जीरो है, इतना बराबर जीरो, इतना बराबर जीरो, जीरो जीरो को गुणा करेंगे, बराबर जीरो होगा। तो ये हो गया तुमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। बराबर जीरो, अल्फा है एक्स का पहला मान, बीटा है एक्स का दूसरा मान, है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें एक्स एक्स कॉमन है, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसमें देखो, इसमें एक्स एक्स कॉमन है जी, माइनस एक्स कॉमन ले लो अल्फा, माइनस है तो प्लस बीटा, माइनस प्लस माइनस बीटा, ये हो गया प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो होगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पहले कर दो, अल्फा प्लस बीटा को पहले लिख सकते हैं, एक्स आगे से गुणा कर सकते हैं ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है, सो मालूम है ना, प्लस अल्फा बीटा बराबर शून्य। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग है ये, बोलो तो, है ना जी? तो अल्फा प्लस बीटा बतलाया है ना, द्विघात बहुपदों का के
द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए होता है, है? अब द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए ये बतला चुके हैं। अब मान भरो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो इसके बदला हो गया माइनस बी बाई ए एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए बराबर जीरो। इसको हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी बटा ए एक्स से गुना हो जाएगा बी एक्स होगा प्लस सी बाई ए बराबर जीरो। कितना समझा? ये हो गया तुमको लघुतम ले लो, ये होगा लघुतम, नीचे में कुछ नहीं एक है होगा ना ए, ए में एक से भाग देंगे ए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए में से भाग देंगे बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसलिए अब पृथक गुना करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। बोलो यही ना द्विघात बहुपद। तो अगर किसी द्विघात बहुपद का दोनों शून्यक दिया हुआ हो तो शून्यक से हम लोग द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्रैक्टिकली तू लोग समझे। अगले पार्ट में इसको विधिवत भाषा से लिखा देंगे, लेकिन ब्रेन में आ गया, आ गई यह बात, ठीक है, रहने दो।